दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सृष्टि जैन देशमुख की। ये भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाली हैं। इनकी शुरुआती शिक्षा यहीं हुई थी। ये आम बच्चों से कुछ मामलों में अलग थी। उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि उन्हें बड़े होकर IAS अफसर बनना है। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मन लगाते हैं, सृष्टि IAS सेवा में मन लगा चुकी थी। उन्हें तब इतनी भी समझ नहीं थी कि सपने को पूरा करने के लिए किस स्तर की मेहनत चाहिए और किस लेवल के कंपटीशन को बीट करना पड़ सकता है। कमाल की बात तो यह है कि सृष्टि ने समझ आने के बाद भी कभी ये नहीं सोचा, वे कभी अपने दिमाग में लाई नहीं कि यह बहुत कठिन परीक्षा है, इसमें लाखों लोग बैठते हैं। उन्होंने हमेशा सकारात्मक सोच के साथ बस अपने दिल की सुनी और पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास किया। अपने सफ़र के बारे में सृष्टि ने साक्षात्कार में बताया था कि इस बात का आपके मोटिवेशन और तैयारी पर बड़ा असर पड़ता है कि आप किन लोगों से घिरे रहते हैं। उन्होंने काफ़ी साफ शब्दों में कहा कि निगेटिव लोगों से दूर हों, उन्हें अपने जीवन से ही हटा दें। ये एनर्जी सकर्स होते हैं जो आपको कदम कदम पर रोकेंगे, आपको कहेंगे कि यह आपसे नहीं होगा। ऐसी बातों का दिमाग पर कई बार गहरा असर होता है, जिसका प्रभाव सफलता पर पड़ता है। क्योंकि एक बार दिल ने मान लिया कि आपसे नहीं होगा, तो कितनी भी मेहनत कर लो, सच में आपसे नहीं होगा। सृष्टि देशमुख पढ़ाई के लिए इतनी पागल हो गई थी कि वो सुबह 3 बजे ही उठ जाया करती थी। इतना डेडिकेशन, अनुशासन और हार्डवर्क किया उन्होंने, तभी उन्हें अपनी मंजिल मिली। सृष्टि कहती है कि मेहनत सभी करते हैं, लेकिन फ़र्क डालता है हर कैंडिडेट का मेंटल लेवल। जिसका दिमाग जितना शांत और सही दिशा में होगा, उसे उतना ही फ़ायदा मिलता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में खर्च करना आवश्यक है। एक साथ दो दो विषयों की पढ़ाई करते समय सृष्टि को बैलेंस बनाने में जो मदद मिली, वो योगा और मेडिटेशन से। फिटनेस को सफलता के लिए बहुत ज़रूरी मानते हैं। जितने भी घंटे अपनी क्षमता के अनुसार आप पढ़ सकते हैं, उनको फिक्स करें, उतने घंटे रोज़ पढ़ें। इसकी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। दूसरी अहम बात, कोई कुछ भी कहे, अपने ऊपर विश्वास रखें। सृष्टि ने खुद का ध्यान भटकाने से बचाने के लिए तैयारी शुरू करने से पहले ही ऐसे लोगों को तकरीबन डिलीट ही कर दिया था जो उन्हें हतोत्साहित कर सकते थे। इसलिए खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप निगेटिव लोगों से दूर रहें। आपका कंपटीशन लाखों लोगों से नहीं है, क्योंकि हर आदमी इस एग्ज़ाम को देने के लिए सीरियस नहीं है। केवल कुछ लोग ही जो इस एग्ज़ाम को देने के लिए सीरियस हैं, उन्हीं से आपका कंपटीशन है। इसलिए आंकड़ों से डरना बंद कर दें। दूसरी बात यह है कि अपने मन को यह समझा लें कि मेरा पहला अटैम्प्ट ही आखिरी है, अब आगे मौका नहीं मिलने वाला। परीक्षा का स्तर देखने या परीक्षा को समझने के लिहाज से एग्ज़ाम में ना बैठें। ऐसे तैयारी करें और ऐसे परीक्षा दें जैसे बस यही पहला और आखिरी मौका है और इसी में सफलता हासिल करनी है। ये जरूर कर सकते हैं कि तैयारी में अच्छा समय दें और जब संतुष्ट हो अपनी तैयारी से तभी परीक्षा देने का। इस प्रकार देखा जाए तो सृष्टि ने बहुत सही बात बताई है कि सृष्टि का सफ़र यह बताता है कि शांत मन और डर को दूर भगा कर आप पूरी एकाग्रता से कोशिश करें, तब तय पैमानों से जुदा कदम उठाने पर भी सफलता हासिल की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि यह सक्सेस स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्कार, जय हिंद।